हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पेगासस वायरस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए ये समझते हैं ये पेगासस था क्या। देखिए, पेगासस एक टाइप का वायरस है। वायरस यानी जिसे हम बोलते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो पेगासस एक टाइप का वायरस है जो करता क्या है। देखिए, ये एक तरह का वायरस है। वायरस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी उसके बारे में हम बात करते हैं कि वायरस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। इससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पेगासस जो है किस टाइप का वायरस है। तो पेगासस जो है एक टाइप का स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर। तो पेगासस जो है एक स्पाईवेयर है, और स्पाईवेयर इतना खतरनाक होता है कि ये वेश बदल करके आते हैं। आपको दिखेगा बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है या कोई अच्छा लिंक है या इस तरह की कोई चीज़ है, वहां पर आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम जो हैक हो जाएगा और फिर उसमें चीज़ें बदलने लगेंगी और आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, वो जो है गायब होने लगेगी या फिर चुराई जाने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह के वायरस को बोलते हैं स्पाईवेयर, जो वेश बदल करके अटैक करते हैं। ठीक है, और इसे बनाने वाला जो था वो इजराइल था। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो आज के दौर में बहुत ही स्ट्रांग है, और शिक्षा के मामले में उस कंट्री का कोई जवाब नहीं। हर कंट्री को ऐसा शिक्षित जरूर होना चाहिए। जितना ज़्यादा शिक्षा होगा उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, और शिक्षा आपको नीचे ले जाएगी, इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इजराइल एक ऐसी कंट्री जो कि स्पाईवेयर यानी पेगासस जो वायरस है इसको डेवलप किया इसने। फिर बाद में इंडिया ने इसका यूज़ किया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान। इन लोगों को पता नहीं लगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो कह लो कि भाई कुछ हुआ नहीं है। अब बाद में जो है पता चला कि कुछ हुआ है, तो बाद में जा करके फिर कह लो कि पेड़ ओड़ पे गिरा दिए हैं लोग, तो हम जाएंगे यूएन में हल्ला करेंगे। ऐसा कुछ था नहीं, और जाके बाद में जब देखे लोग पता चला इन लोगों को, खुफिया तंत्र को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है ये। और जब हाईजैक कर लेगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपके बस में तब कुछ रह नहीं जाता है। तो फिर जब हाईजैक कर लेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन तो चोरी हो गई, तो आप कितना जल्दी उसको जो है बदलने की कोशिश करेंगे। तब तक जो है अपना काम करके चला जाता है वो। तो इसका यूज़ किया था भारत ने, और इसके बाद जो खुफिया तंत्र है, हालांकि बहुत मजबूत तो खुफिया तंत्र है नहीं पाकिस्तान का जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उसको जो है हाईजैक कर लिया था पूरी तरह से भारत ने, और फिर उसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और फिर लौट करके वापस आ गए थे। तो ये जो है पेगासस वायरस के चलते जो है संभव हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके ऊपर जासूसी करवाने में भी पेगासस वायरस का हाथ है। ठीक है, यानी पेगासस स्पाईवेयर जो है उसका हाथ है। ठीक है, इसको लेकर के भी कई नेता सवाल उठाते रहते हैं, कहते हैं कि ये जो है बड़ा खतरनाक है। तो वाकई में खतरनाक, किसी की भी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेना इसका काम है। ठीक है, तो ये हो गया पेगासस के बारे में। अब एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, पेगासस है तो एक वायरस। अब ये जो है पेगासस वायरस ये किस टाइप का वायरस है, तो ये एक स्पाईवेयर है। देखिए, स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस का टाइप होता है जो वेश बदल करके अटैक करता है, माने साधु के वेश में चोर। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, डाकू, तो कुछ इस तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए दिखेगा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है, या ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि इससे कोई हार्म है, कोई नुकसान हो सकता है आपको, और आप जैसे ही उसको डाउनलोड करते हैं तो फिर आपका सिस्टम स्लो होने लगता है, फिर आपकी ज़रूरी सूचनाएं जो है चोरी होने लगती हैं, कभी आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाएगी, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये सब जो है पेगासस वायरस के चलते होता है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी आपके। ये इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वायरस के टाइप जो हैं वो क्या क्या होते हैं। वायरस सबसे पहले होता क्या है, वायरस जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि जो भी आपकी जरूरी सूचनाएं हैं उनको घेर लेना, यही वायरस का काम होता है। वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, हार्मफुल इंटेंशन से बनाया गया प्रोग्राम होता है वायरस। और इसके जो अलग अलग टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, दूसरा है वॉर्म, तीसरा है स्पैम, चौथा है स्पाईवेयर, मालवेयर और एडवेयर। ठीक है, ये सारे जो है वायरस के टाइप हैं। ठीक है, तो वायरस यानी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल माने होता है जरूरी, इंफॉर्मेशन माने सूचनाओं को, रिसोर्सेज मतलब स्रोत को, अंडर सीज मतलब अपने अंडर में ले लेना। तो जो भी इस प्रोग्राम को डिजाइन करता है, वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम होता है, जो भी इसको डिजाइन करता है वो क्या करता क्या है, वायरस जो है अपने मालिक। अब देखिए, वायरस में एक स्पाईवेयर जो है ये इतना खतरनाक होता है, पहले स्पाईवेयर की बात कर लेते हैं। ये अपने जब जैसे कोई इसको डिजाइन कर दिया, प्रोग्राम कर दिया,
तो जब ये दूसरे के सिस्टम में जाता है तो करता क्या है, जो जरूरी सूचनाएं है ना वो अपने मालिक के पास ईमेल कर देगा, सब भेज देगा कि हाँ, अपने आप ये ऑटोमेटिकली जाता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और चीजें पहुंचती रहेंगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है स्पाईवेयर। अगर कोई अच्छा डेवलपर है तो वही स्पाईवेयर का ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ट्रोजन हॉर्स की। जो पहला वाला है ना, ये ट्रोजन हॉर्स, इसकी बात करते हैं। ये अपनी कॉपीज बनाने लगता है और ये पेन ड्राइव वगैरह से ज्यादातर आता है। और कॉपीज बनाने के बाद करता क्या है, जैसे मान लीजिए एक तो पेन ड्राइव में आ गया तो फिर दूसरे पेन ड्राइव में, जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव यूज करने की आदत है तो कहीं भी लगा देते हैं, ठीक है, बिना एंटीवायरस से स्कैन किए, तो एंटीवायरस से आप इसको प्रॉपरली स्कैन करेंगे तो आने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। और दोनों में अंतर क्या है, देखिए वर्म भी यही काम करता है, ठीक है, ये जो है ना ये भी यही काम करता है और ट्रोजन हॉर्स भी यही काम करता है। तो ट्रोजन हॉर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ट्रोजन हॉर्स तो क्या करता है, पेन ड्राइव से ही फैलता है। जो मेन डिफरेंस है ना, तो वर्म को जो है, ये जो वर्म है इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स को रिमोटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स भी कहीं ना कहीं कॉपीज जरूर बनाता है, लेकिन बहुत तेजी से जो कॉपीज बनाने का काम है वो वर्म करते हैं, ठीक है। वर्म जब कॉपीज बनाने लगता है तो फिर जो है बहुत तेजी से ये अपनी कॉपीज को बनाता है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद बात करते हैं और कोई अगर डिफरेंस है तो वो भी देख लिया जाए। तो देखिए अगला डिफरेंस जो है वर्म और ट्रोजन हॉर्स में ये होता है कि यहाँ पर जो वर्म है, ठीक है, जो वर्म है वो बहुत ही ज़्यादा तेज गति से फैलता है इन कंपैरिजन टू ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होता है, लेकिन वर्म जो है बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। दोनों में अंतर कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। स्पैम क्या होता है, स्पैम जो है ये अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, ये जो है अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, मतलब कि ये जो है बिना चाहे, मतलब आपको जरूरत नहीं है, आप फिर भी जो है आपके ईमेल पे देखे होंगे कि बहुत सारा मेल आता रहता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अनचाहे जो मेल आते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है, और वो भेजते रहते हैं और कभी कभी उसको खोलने पर आप परेशानी में भी फंस सकते हैं, उसे कहते हैं स्पैम, ठीक है। स्पाईवेयर तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, भेज बदल करके घुसता है और कई जगहों पर इसका यूज किया जाता है, खासतौर पर एंटी टेरर एक्टिविटीज में इसका यूज ज्यादा किया जाता है, ठीक है। यानी इस तरह की चीज़ों में आतंकवादियों के इसमें और इनके प्लान्स का पता लगाने में और उन पर स्ट्राइक करनी हो कोई, तो इस तरह के चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मालवेयर की। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर जो है आपका सिस्टम्स में जनरली नहीं आता है, ये मोबाइल्स वगैरह में ज़्यादातर आता है, ठीक है, वैसे सिस्टम में भी आ जाता है, और ये भी एक तरह का वायरस ही होता है, ये भी अपनी कॉपीज बनाता है। एडवेयर क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब आप कभी कभी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो बहुत सारे एड्स और पॉपअप्स चल रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर से लिखेगा कि फला इंश्योरेंस करा लीजिए, इस तरह से ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो इस तरह के जो एड्स चल रहे होते हैं उसे एडवेयर कहते हैं, ठीक है। और उसी में अगर कहीं क्लिक हो जाता है तो कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आपका कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगता है, ठीक है, और डाउनलोड हो गया, जैसे डाउनलोड होता है तो वो तो फ्री वाला सॉफ्टवेयर रहता है, वो ऐड के लिए दिया गया रहता है, ऐड यानी ब्रेक के लिए दिया गया रहता है कि आप उसको देखिए, यूज कीजिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और वो कहीं ना कहीं मैलिशियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। एक्चुअली में फ्री वाला रहता है तो फ्री वाले का कोई गारंटी नहीं होता है, तो इसे कहते हैं एडवेयर, जबरदस्ती आपको एक चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, आई होप कि कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।